देख सकते हो काफ़ी डेंजर है ऐसे चढ़ाना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आपने अभी जो वीडियो देखा वो कल का वीडियो है। कल ही हम उस पहाड़ पर जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए कुछ कारण की वजह से, तो आज जा रहे हैं। लेकिन कल ही जाना हमें ये ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन आज हम ऐसे ही घूमने ट्रिप लगाने जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरा दोस्त कृष्णा भी है, तो इसे पानीघाट में कुछ काम है तो इसके पास गाड़ी नहीं था, इसे मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहीं से ट्रिप लगा के आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर दिखाता हूँ क्या करने हम कल जाने वाले थे वो दिखाता हूँ आपको। अभी हमें पहले जाना होगा चाटम जट्टी, चाटम जट्टी से बम्पला जट्टी फेरी पे पार होना होगा, फिर वहाँ से पानीघाट जाना होगा, फिर हम जाएंगे वो पहाड़। वो पहाड़ का नाम है माउंट हैरियट, लेकिन ये पुराना नाम है, नया नाम है माउंट मणिपुर। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम बहुत पुराने ब्रिज पर है, अंडमान का सबसे पुराना ब्रिज अंडमान निकोबार आइलैंड का, ये है चाटम ब्रिज। आई थिंक जापानीज ने बनाया था कि अंग्रेज ने बनाया था यार, ब्रिटिश टाइम का ये ब्रिज है। तो अभी कृष्णा जा रहे हैं हम लोग दोनों का टिकट लेने और गाड़ी का टिकट लेने। टिकट लेना पड़ता है व्हीकल फेरी में चढ़ने के लिए। तो चलिए वो टिकट ले जाने तक हम यहाँ पर लाइन पर वेट करेंगे, देख सकते हो कितना लंबा लाइन है। और टिकट का रेट 11 12 15 रुपये के आसपास होगा हमारा, और गाड़ी का 25 30 40 50 के आसपास। तो आप लोग लेके जा सकते हो, बाय रोड भी जा सकते हो, लेकिन बाय रोड बहुत ज़्यादा लंबा दूर पड़ जाएगा बोल के हम यहाँ से व्हीकल फेरी पकड़ के जा रहे हैं। तो देख सकते हो ये है टिकट, पर पर्सन 12 रुपीज़ और गाड़ी का 45 रुपीज़ पड़ा है। तो ये लेके हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो काफ़ी डेंजर है ऐसे चढ़ाना। गोवा का गाड़ी इधर क्या है, गोवा जैसा फील नहीं आ रहा है। तो हम अभी बोट से उतर चुके हैं, देख सकते हो बोट वहाँ पर खड़ा है। अच्छा से दिखाता हूँ मैं आपको, चलते चलते दिखाने मुश्किल होगा। तो वहाँ से हम यहाँ आए, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं उधर पहाड़, मतलब इस पहाड़ के पीछे है बड़ा वाला पहाड़। करीब करीब 1:06 बाकी है, हम करीब करीब 12:15 12:20 के आसपास बोट पे चढ़े थे। तो आया बोट में तो टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट बोट पे लग जाता है। तो ठीक है, हमें जल्दी जाके वापस आना भी है, मुझे ड्यूटी भी जाना है। ये एक मेन प्रॉब्लम हो गया ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, उससे पहले तो ब्लॉग बनाने में मज़ा आता था, देख सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग व्यू, पूरा फोर व्हीलर दिख रहा है यहाँ से, पूरा फोर व्हीलर सिटी। ये पूरा आर्बर है और यहाँ पर कालीघाट खड़ा हुआ है, जो कि एक टाइम का सबसे बेस्ट शिप है ये एमपी कालीघाट। एमपी नहीं जगह कालीघाट, लेकिन एमपी लगता है। ये रोड है, आप बम्पला जैसी जट्टी पहुँचेंगे उसके बाद राइट साइड का रोड पकड़ेंगे तो आप माउंट हैरियट पहुँच जाओगे, ठीक है। तो राइट साइड का मेन रोड सीधा पकड़ते हुए आपको जाना है, फिर मैं बता दूंगा कहाँ से टर्न लेना है। सीधा पकड़ के आप चलते रहिए। तो देख सकते हो अंडमान का सबसे बड़ा चर्च जो पानीघाट पर है, ये रहा है। यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो यहाँ से भी आपको स्ट्रेट जाना है, देख सकते हो चर्च, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट स्ट्रेट जाना है।
ये है पानी घाट के जट्टी। रामानुजन बाप रे क्या हाल था। लास्ट टाइम अच्छा था, अभी कहाँ गया, काट कूट के बिक्री हो गया लगता है। लो बाप तो हम पानीघाट मेन बस्ती पहुँच गए हैं, देख सकते हो डोंगी डोंगी है यहाँ पर। और चाय तो खरीद भी सकते हो, लेकिन 4-5 लाख का होगा या उससे ज़्यादा। कितना का होगा कृष्णा? वही उससे भी ज़्यादा ही होगा इंजन वाला। तो देखिए हम पहुँच गए हैं पानीघाट, अभी जहाँ से आपको कट लेना है ये मेन रास्ता पकड़ के लास्ट तक आइए मंदिर तक। देखिए हनुमान भगवान का मूर्ति दिख रहे हैं वहाँ पर, शिव भगवान का मूर्ति भी है यहाँ। हाँ तो ठीक है, LPG जो भरा जाता है अंडमान में वो भी यहीं से भरा जाता है। देखिए देख सकते हो, ठीक है ये शिव भगवान का मूर्ति, हनुमान भगवान का मूर्ति। तो यहाँ से आप लेफ्ट देखे ऊपर चलिए, लेफ्ट ले लीजिएगा, आई थिंक रोड बन गया है यहाँ का। तो मूर्ति तो बहुत ही बढ़िया है, माउंट एरेट का है, देखो आपको मिल जाएगा। माउंट मणिपुर अभी तक लिखा ही नहीं है। तो यहाँ से ऊपर चलिए, देखो जंगल वाला फीलिंग आ रहा है ना। बस भगवान का दुआ करें कि बीच में सही वाला बारिश आ जाए, लेकिन अभी आना लास्ट निकलते समय नहीं आना, बवाल हो जाएगा। अमर कृष्णा पूरा रेडी है, तो देखिए यहाँ पर स्कूल है तेलुगु मीडियम, इंग्लिश एंड तेलुगु मीडियम। तो रास्ता पकड़ के हम सीधा आ चुके हैं, ठीक है यहाँ से आपको सीधा जाना है। यहाँ पे 2-3 रास्ता आपको ऊपर साइड जाता वाला मिलेगा, लेकिन उसमें नहीं जाना है। तो यहाँ से सीधा, मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ, है ना? नहीं सीधा, हाँ यहाँ में कन्फ्यूज़न हो गया, फिर से सीधा जाना है हमें मेन वाला रोड है, टूटा फूटा रोड पे नहीं जाना है अभी अभी के हिसाब से, बाद में ये भी ख़राब हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रोड अच्छा बन गया, हम जब आया था मैडम बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे 20 रुपये का नोट वाला व्यू इधर ही है ना, हाँ 20 रुपये नोट वाला व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देख सकते हो 20 रुपये नोट वाला व्यू, आई थिंक 20 रुपये नोट। हाँ अरे मेरे पास भी नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है भाई, नहीं मेरे पास 20 रुपये नहीं है। तो नया वाला नोट है 20 रुपये, अंकल से एक्सचेंज करके देखते हैं। अंकल आपके पास 20 रुपये नोट आ रहा है ये लाल वाला? नहीं होएगा, हमारे पास था, हमने सुबह ही खर्चा कर दिया, हमारा आइडिया नहीं था। नहीं है? अरे ठीक है थैंक यू। तो अंकल का पास भी नहीं है, तो चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने पहले भी यहाँ पर आके एक बार वीडियो बनाया है टाइम लैप्स में, देख सकते हो स्टार्टिंग पे। तो देखिए 20 रुपये नोट के पीछे आपने देखा होगा लाइट हाउस वाला व्यू, वो यही व्यू है, ठीक है। तो यही है कन्फर्म, मैंने पहले वीडियो में दिखाया, आप जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग 10 वीडियो के अंदर है मेरा चैनल जब स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है यहीं का व्यू। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम निकलते हैं ऊपर माउंट मणिपुर। हाँ भाई क्या हवा है भाई, लेकिन जस्ट मुझे यहाँ पे बारिश में आना था, उसका क्या वजह है मैं अगर बारिश आ गया वो वजह दिख गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो वैसे माउंट अंकल विदाउट हेलमेट एक तो और रोड के सेंटर से आ रहे हैं, और उन्होंने मारा था इसलिए मुझे पता चल गया था, मैंने अपना साइड पकड़ लिया था, पर हॉर्न बजाना पड़ेगा। तो देख सकते हो चढ़ते जा रहे हैं, हम चढ़ते जा रहे हैं और घुमाई घुमाई मिल रहा है हमें। अब हमें आई थिंक टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने का, क्या टिकट है गाड़ी का हमारा, इसलिए बात करते हैं पूछते हैं और टिकट लेते हैं। तो यहाँ पर आप टिकट ले सकते हो, आईडी भी दिखाना पड़ेगा आपको, तो आईडी वगैरह आपको दिखाना पड़ता है यहाँ पर। Thank you.
टाइम 12:06 व्हीकल नंबर तो फॉर्म फिलअप करेंगे अंकल, और इनका नाम साइन फ़ोन नंबर वगैरह नीचे लिखना पड़ता है, फ़ोन नंबर वगैरह कितना अंकल? 120। तो हमारा 120 पर पर्सन के हिसाब से क्या है अंकल? पर पर्सन 50 रुपीज़ सर, गाड़ी का 20। ओके थैंक यू सर। तो ये पेपर आप संभाल के रखिएगा, घुमाना मत नहीं तो आप वापस नहीं जा पाओगे। तो हम पहुंच चुके हैं पॉइंट मणिपुर, तो देख सकते हो नेशनल पार्क। अब ये मंदिर जाएंगे, देखो कृष्णा भी है साथ में, तो चलिए अंदर चलते हैं। क्या कर रहा हूँ, ट्रिप वगैरह हो सकता है, देख के आएगा आप लोग जब भी आते हो तो बारिश के टाइम। और यहाँ का स्पीड लिमिट है 20 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम हो गए रेडी, एकदम लग रहे हैं ऊटी मनाली आया है। तो गेट बंद करके रखा है भाई, पैसा ले लिया भाई, गेट पे घुसने नहीं दे तो बवाल हो जाएगा भाई। ब्रिटिश टाइम का बना हुआ स्ट्रक्चर है देख सकते हो। अब हम अमरुद तोड़ के खाएंगे, सिटी है यार। तो देखिए गन पॉइंट,